पीठों को निशान उत्तरित करती है, इसीलिए जीवन में माँ नहीं मिलेगी जो उसे ताली बजाए, माँ की ममता नहीं मिलने वाली है, इसीलिए माँ का सम्मान माँ का आदर करना आपको नहीं चाहता है फिर भी इंसान मजबूर होके तो करता है, फिर ये कौन मजबूर करता है, ये अर्जुन पूछते हैं। रोगी को पता है, सुन लीजिए, रोगी को पता है। अचानक पति आजा बोल दे कि तुम्हारे भाई भी उसी के साथ है, ये तब रखे हैं ला रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है, किस उद्देश्य से आप ऐसा बिस्कुट निकालते हैं, ऐसा सर छह महीने का फिनाइल और धर्म से लगाव है, छह महीने का फिनाइल मांगता है, तो कई बार हमको भी मिला है। सोचिए कि जो बिस्किट छह महीना बक्सा में रहेगा वही ना फिनाइल से मांगेगा, नहीं तो अलमीरा से निकलता या कहीं से निकलता तो खुजा रहता, ताजा कब रोज यूज होता है ना भाई, रोज थोड़े होता है। तो छिपा हुआ शीश जो है अगर भाई आ जाए चाहे कितना वो दिन हो, अब भाई भी बेचारा वैसे ही है, पगली कम से कम इतना खराब एक्सपायर चीज भी खा के चल देता है। यही पर और जो मिल रहा है खाओ और जाओ, जितने लोग हमारे नहीं मिलता भाई, प्रेम है, मैंने देखा है, यही घर है, यही इसी को गृहस्थी बोलते हैं। मैंने देखा है कि बहने कभी कभी मैं देखता हूँ, मैंने सुनता भी हूँ, देखने का मौका तो नहीं मिलता है लेकिन सुनने का मौका ज्यादा मिलता है। बेटियाँ बहने जब अपने मायके जाती है, सत्य बोल रहा हूँ ध्यान से सुन, जब मायके जाती है ना तो अपने जो है मार्केटिंग खुद करवा लेती है, कहाँ जाना है मैके जाना है। हम मैके जब जाती है वहाँ पर मैके, अब वहाँ जाके भाई का माता जी का पिताजी का इज्जत रखने के लिए जब वापस आती है ससुराल में तो ननद पूछती है भाई साड़ी कहाँ से मिला है, हमारी मम्मी दी है ना, मेरी भाभी विदेश से आई हुई दी है, दिया था पति खरीद के पहले से छिपा के लेके जाती है सब वहाँ से झेले करके अपने मायके का इज्जत पर सम्मिलित हुए हैं। सास भी समझती है कि वो भी कभी बहुत ही, ये जान लो आप लोग जिसके साथ चतुराई करते हो ना आप बहु हो, तो सास है जिस खेल को आप लोग खेलती हो ना उस खेल को सास खेल चुकी रहती है, इसीलिए कभी सास से झूठ मत बोलो, जो सही है वही बोल दो ताकि पता चले कि हाँ ये बहू मेरी बहुत अच्छी है। डॉक्टर भी हैं, कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? अभी मत सोचो कि हम कह देंगे सास मत तो चुप हो जाएगा, चुप हो जाएगा इसलिए कि वो भी अपने समय में यही कार्य किए है कि हमारी परंपरा अब अपने भाई से अपने मायके से विशेष प्रेम रखते हैं। और सच पूछिए कि प्रेम जो है कोई बनावटी नहीं होता है, अनायास हो जाता है, जब बेटी को तड़प होती है झगड़ा होता है कोई ससुराल के लोग यातना देते हैं पीड़ा देते हैं तो उसका कोई घर नहीं होता, अपने माँ का घर ही होता है, वह कहीं भागती है तो अपील क्या करेंगे, तो माँ के घर से लगाव तो रहेगा ही लेकिन अपने ससुराल में भी लगाव उतना ही रहना चाहिए
जितना माँ के घर से रहे, क्योंकि आप ससुराल में जब आते हैं तो सास ससुर के जो कुछ है सब आपको सिर्फ आने मात्र लोगों से जुड़े। कार्यक्रम बहुत शानदार चल रहा है और काफी महिलाएं और काफी लोग यहाँ जीवन भर जो कमाई है सास ससुर का वह उसकी मालकिन बन जाती है, यही आपके सास और ससुर का त्याग है। तो सास ससुर जीवन भर कमाता है तो बहू को वो सब दे देता है, इसीलिए सास माँ जो है आपकी माँ से कहीं ज्यादा त्यागी है। अगर आपकी माँ बेटी को त्याग की है, सुन लीजिए, अगर आपकी माँ बेटी को त्याग की है आपकी सुख समृद्धि के लिए, तो उसने भी अपने बेटे को पढ़ा के लिखा के इंजीनियर डॉक्टर बना करके और जवानी भर पाल पोष के तैयार किया और सारा कुछ आपको सौंप दिया और उसी बेटे के सारे या पूरा पूरा का पूरा शरीर घूमते हैं। इसीलिए आपके सुख को जन्म देने वाली माँ कभी खराब नहीं हो सकती होती है क्या? और यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं आपके सिंगर आपके शौक आपके सपने को जन्म देने वाले पति सपना ही तो है। नौकरी पकड़ ले तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है बताइए? सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? माँ को होती है। जोर से ताली बजाए माँ को। इसलिए नहीं पत्नी भी खुश होती है, ध्यान सुनिएगा, थोड़ी पारिवारिक बात थोड़ा सा कह रहा हूँ तब ये गहरा ले जा रहा हूँ इधर गीता में।